1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो ग्वालियर राजघराने में सबसे ज्यादा तनाव का माहौल था। राजमाता के लिए ये चुनाव अंतर्द्वंद का कारण बन गया था, क्योंकि ग्वालियर से बीजेपी की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव मैदान में थे और दूसरी ओर से उनके खिलाफ उनके बेटे माधवराव सिंधिया कांग्रेस से खड़े थे। राजमाता के लिए धर्म संकट था, क्योंकि अटल उनके लिए पुत्र जैसे ही थे। इंदिरा गांधी की हत्या के कारण जनता में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति थी, इसलिए कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन अटल और माधव राव का साथ खड़ा होना भी एक विवाद भरा रहा था। वहीं बता दे कि खास बात यह थी कि अटल बिहारी ने राजमाता का खुद को धर्मपुत्र बताकर ग्वालियर की जनता के सामने खड़े हुए थे और राजमाता विजया राजे माधव राव के कांग्रेस में जाने से वैसे ही नाराज थी। और जब धर्मपुत्र की बात आई तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर अटल बिहारी का साथ दिया था। राजमाता ने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए ग्वालियर में बेटे के खिलाफ जाकर चुनाव प्रचार किया था। कांग्रेस को मिली सहानुभूति का असर माधवराव सिंधिया के चुनाव में भी देखने को मिला और मतगणना में माधवराव सिंधिया ने अटल बिहारी को बड़े अंतर से हरा दिया था। राजमाता और माधवराव सिंधिया के बीच ये चुनाव भी एक बड़े मतभेद का कारण बना था। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।